ये मैं जहाँ उपस्थित हूँ, ये गोरहो मंदिर है और ये मुसली और डाल्टनगंज को जोड़ने वाला ये पुल है। छलका था पहले, लेकिन इसको देखिए माफिया लोग जो है, भू माफिया यहाँ पर ये मलबा जो है वो बाहर से ला कर फेंक दिए और इसको हाइड कर दिया गया था। लेकिन बारिश का बहाव इतना तेज है तो भरने के बाद देखिए ये पूरा जो नाला है, जो पहले से बना हुआ था नाला, ये नाला को भी बंद कर दे। जाने के लिए वो देखिए कितना मजबूर है। यहाँ भी थोड़ा पानी कम है, लेकिन अगर जब बहाव आया होगा तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ लोग आदमी मर जाएंगे, डूब के मर जाएगा। और कई बार हम लोगों ने आवाज़ भी उठाया है इस भूमाफिया के खिलाफ, उसके बावजूद भी नगर निगम के जो यहाँ के अधिकारी हैं या जो नगर निगम के पूर्व में मेयर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिएगा कि जनता के लिए आपने क्या सुविधा किया है, या फिर क्या जो यहाँ मलबा पड़ा हुआ ये कितना उचित है, उस पर विचार करना चाहिए। और जो जनता का जो समस्या है उस पर कम से कम आपको बात करनी चाहिए, लेकिन यहाँ कोई उपस्थित नहीं होता। यहाँ के कुछ दिन पहले बड़े बड़े नेता भी आए और इस पर कहीं ना कहीं लीपापोती करके इसको छोड़ दिया। आज जनता देखिए कैसे इस रास्ते को पार होने को मजबूर है। ये सवाल खड़ा होता है जनप्रतिनिधियों के ऊपर भी, चाहे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हो या सांसद हो, अगर जनता को आप इस तरीके से तड़पने के लिए छोड़ दीजिएगा तो जनता आपके खिलाफ भी आवाज़ उठाएगी। और ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये कहीं ना कहीं इस ज़मीन को भी अतिक्रमण किया गया है, और अतिक्रमण करने के बाद ये स्थिति बना दी गई है कि यहाँ जो नाला था, जो रास्ता था, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। अब देखिए गाड़ियाँ जो देखिए कैसे पार हो रही है, आप देखिए इधर ये मलबा यहाँ लगा दिया गया है, काफ़ी उचित रास्ता था, इसको डालने के बाद फिर हटा दिया गया। आखिर क्यों? कहीं ना कहीं आप इसमें अवैध काम किए हैं और आपको डर है कि इसके ऊपर अगर कोई सवाल खड़ा करेगा तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। दूध के सरकारी वाहन है, सरकारी वाहन है, ये देखिए ये गाड़ियाँ हैं। ये दूध का आपका एक तरीके से जो डेयरी वाले गाड़ी है वो जा रही है। आना जाना लगातार इस क्षेत्र के लोगों का शहर से है, और इस तरीके से अगर आप अतिक्रमण करिएगा कोई भी जमीन का, तो अब हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस पर ऊंच आवाज उठाएगी, और यहाँ के अधिकारी जो उच्च अधिकारी हैं उस पर भी सवाल खड़ा करेंगे। इस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई तो जिले के DC और यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे हम बात करेंगे और इस पर जवाब आपसे मांगेंगे कि आखिर आप कर क्या रहे हैं। ये अगर आप इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो ये सीधा निशाना आपके ऊपर भी है कि आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसे हुए, भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं, और ऐसे भूमाफियाओं के साथ मिलकर आप खेल जो रच रहे हैं वो कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। इस पर बढ़िया से आवाज़ उठेगी, हम जनता से भी बात करेंगे जो यहाँ से लोग आते जाते हैं। भैया ये स्थिति कैसे होगी, इधर आइए, क्या लगता है कहाँ घर है? इधर आइए, इधर आइए, अभी कितना समस्या है बताइए, इधर आप कहाँ घर है बताइए, तो आपको क्या लग रहा है? एकदम बंद कर दिया था, इधर कल तोड़ा गया था, तब पार हो गया, गाड़ी से तोड़वाए हम लोग, हटवाए हैं गाड़ी से, तब कुछ पार हो रहा है। तो कौन ऐसा कर रहा है, क्या लगता है आपको, माफिया है, कोई भूमाफिया है? नाम बताइए, नाम बताइए। हाँ, के इधर आइए, देखिए अब जनता है, अब आप डरेगी नहीं, आवाज उठाई, क्या बात है बताइए। यहाँ का रहने वाला है वही घर भरवाया है। हाँ, और ये पुल जो पानी क्रॉस करने वाला था उसको बंद कर दिया। देखिए सरकार के द्वारा जब पुलिया बनाया जा रहा है उस पर माफिया अगर मलबा डाल के इसको बंद कर रहे हैं तो सरकार के ऊपर तो सवाल खड़ा होगा, यहाँ के उपायुक्त के ऊपर सवाल खड़ा होगा कि आखिर आप इस तरीके के अवैध काम क्यों होने दे रहे हैं, अगर हो रहा है तो उस पर कार्रवाई आप क्यों नहीं कर रहे हैं, सवाल आपके ऊपर भी खड़ा होगा और जनता इसका जवाब पूछेगी। बहुत दिक्कत हो रहा है, इसके बाद बता रहे हैं कि कल हम लोग गाँव का पब्लिक लोग इसको हटवाए हैं, है ना। देखिए अगर ये उचित होता, गाँव के लोगों से बातचीत करके अगर की गई होती तो गाँव के लोग इतना मेहनत करके, आज आप लोग का दिनचर्या शहर से तो जुड़ा हुआ है, तो क्या मैंने ये जो कौन करवाया है पहले ही बताइए, जो डस्ट जो मलबा यहाँ गड़ा है कौन किया है? विष्णुदयाल राम यही का है, बगल में घर उसका भी है। अभी जमीन किसका पड़ता है? वही खरीदा है। देखिए जब ये जमीन जिसका है, जो खरीदा होगा, जाहिर सी बात है कि कहीं से भी मालवा ला के अगर यहाँ रख दिया है तो जनता को परेशान कर रहे हैं। ऐसे लोगों की गिरफ्तारी होनी चाहिए और तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। ये वीडियो यदि आप देख रहे हैं तो मैं जनता से निवेदन करूँगा कि आप
अपना हक की लड़ाई खुद लड़िए, नहीं तो आपके लिए लड़ने वाला कोई नहीं आएगा। और अगर वीडियो देख रहे हैं तो इतना इसको शेयर करिए कि यहाँ के ACP, यहाँ के DC उस ऐसे भूमाफिया को कम से कम, ये देखिए महिलाएं हैं, कैसे बच्चे लोग पार करें और अभी कुछ लोग खड़े हैं, तो ये कितना उचित है हम आपसे जानना चाह रहे हैं। आप प्रतिक्रिया सभी बोलेगा, सभी इधर आइए दीदी, इधर आइए, इधर इधर आओ, इधर आओ, कहाँ घर बा, ये इसे कर दिया कि आप लोग आने जाने की दिक्कत हो रहा है, मैंने समस्या हो रहा है ना, दिक्कत है ना, अब बताइए। ये ऐसा एरिया, इधर दिखाइएगा, ये ऐसा एरिया है यदि यहाँ के भूसही लहसुनिया के लोगों को यदि किसी तरीके की तबीयत या बीमारी होती है तो आप बताइए कि दो दिन से हम लोग को बहुत दिक्कत है, इधर से आने जाने कोई रास्ता तो नहीं है, यही ईटा से मारेंगे विधायक के साले के रेट रेट के, बुलाइए अभी यहाँ विधायक के झाड़ी भूत उसी पंचायत में, विधायक तो बोलता है कि हम गली गली रोड दे दिए, देखिए ना विधायक, दिखाइए ना विधायक, इसमें फोटो करा के भेजाइए उनको आके, देखिए ये सवाल यहाँ गाली दीजिए चलो सब जनता बहुत भी मान, सवाल यहाँ के जनप्रतिनिधियों पर खड़ा होता है, विधायक बनाई भी मुखिया का काम था, मुखिया विधायक के बोलता, विधायक अभी आता देखता, मुखिया यहाँ कोई तिवारी जी है नहीं, चेरो है इधर के मुखिया तो तिवारी जी है, देखिए सफल से कल तोड़ा गया, देखिए ये सब ना तोड़ा गया है, सब सफल से तोड़ा गया, अवैध अतिक्रमण है और अवैध अतिक्रमण, जनता इस पर सवाल पूछ रही है, इसको नहीं हटाना दे रहा था नीचे, इधर 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 जनता इस पर सवाल पूछ रही है कि आखिर ये मलवा यहाँ क्यों डाला गया, और ये सीधा सीधी नगर निगम के अधिकारियों से और जिले के अधिकारी से मेरा सवाल है कि आखिर ये मलवा यहाँ सड़क पर, ये देखिए सड़क है, ये सड़क था ना भैया, किसके आदेश से डाला है, मुखिया के आदेश से डाला है, ये सड़क है, आखिर इस मलवा को डालने वाला यहाँ कौन है, बिना परमिशन के कौन यहाँ मलवा डाल, सबने डलवाए हैं, देखिए बोल रहा था जो डाली ऐसा कीजिए ऊंचा कीजिए तब डले हैं ये लोग, अब तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना भाई, एकदम कार्रवाई होनी चाहिए, जनता को इस तरीके का, अगर जनता को अगर इस तरीके का असुविधा होगा तो जनता आपसे सवाल तो करेगी, एकदम DC SP के भेजिए, मुखिया के भेज के लाए यहाँ, सस्पेंड कर लेते हैं, यहाँ के जो DC है वो भी इन भूमाफियाओं के साथ मिले हैं ना, मिले हुए हैं, ये अतिक्रमण हुआ है ना जमीन, हाँ हाँ मिले हुए हैं, देखिए ये जमीन अतिक्रमण हुआ है, सब है, अंतिम मेरा गुजारिश है उपायुक्त से, अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं महोदय तो यहाँ आके जांच करिए कि आखिर ये मलवा किसके आदेश पर ये जमा किया गया और कौन यहाँ पर मलवा ला कर रख दिया, और ये रोड है, ये सड़क है, आपका सरकारी सड़क को कोई मलवा से ढक रहा है तो सवाल तो जनता आपसे पूछेगी, ये मलवा पूरा ढहने का कारण क्या है, ये मलवा यहाँ रख के इसको अतिक्रमण करने का प्रयास है, यही है ना भाई, तीन दिन से पब्लिक सारा परेशानी में है, जानते हैं आदमी है कि कैसे कैसे जा रहा है, तीन दिन को डाक के किसी को खतरा अगर हो जाए रात की रात में, इतना मुश्किल से जा रहा है कि रात की रात में जा रहा है लाइन से, और लाइन अभी तीन को हो गया है, कल हुए एक दो आदमी के धोखा हो जाता वहाँ, इस हालत में इस रोड के चलते, देखिए ये गोरो मंदिर के पास ये रास्ता है, जो भूसही लहसुनिया के लोग कितना परेशान होते होंगे आप देख सकते हैं, परेशानी कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ अभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाए तो ये कैसे लोग जाएंगे और कैसे डॉक्टर्स के पास जाएंगे, ये सवालिया निशान खड़ा होता है, और ये जानबूझकर इस तरीके का स्थिति यहाँ पर उत्पन्न किया गया, यहाँ पर पहले से नाला था और बेहतरीन नाला था, नाला में पानी क्रॉस कर जाता था जिसके कारण ऊपर से कम बारिश ये पानी नहीं आती थी, लेकिन इसको तोड़ के और यहाँ पर देखिए पूरा मलवा जो है वो डाल दिया गया है, तो ये सवाल तो सरकार के ऊपर भी है, यहाँ के जिले के अधिकारी के ऊपर भी है, और जो भूमाफियाओं के साथ मिलकर इस तरीके का षड्यंत्र और इस तरीके का अतिक्रमण कर रहे हैं उनके ऊपर भी सवाल है।